आज मैं आपको आयुष काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग में क्या कॉलेज का ऑर्डर रखना है, कैसे रखना है, उन सभी कॉलेज टॉप जो भी कॉलेज है 25 कॉलेज का ऑर्डर आपको बताने वाला हूँ और उनका लास्ट रैंक भी बताऊँगा, क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर कितने तक मिली है उन सबको बताऊँगा। मैं अनुराग कुशवाहा, BMS स्टूडेंट, NIIT जयपुर, राजस्थान। किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले कॉलेज का फ़ी का ध्यान रखना, दूसरी बात उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम, जैसे कि साउथ में और महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज चलती है जैसे मराठी, और वहाँ पे जो भी तमिलनाडु में तमिल वगैरह चलती है वो लैंग्वेज में होती है, इसलिए उसको ध्यान रखना। और तीसरी बात है वहाँ पे खाना और दूरी, आसानी से जा आ सके वो चीज़ भी अपना देख लेना। इन तीन बातों का ध्यान रखते हुए चॉइस फिलिंग करना है आपको, कोई भी कॉलेज जो भी बता रहा हूँ उनको ये चीज़ देखते हुए अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले NIIT जयपुर है जिसको 27,000 तक जनरल OBC का लास्ट तक मिल सकती है, मिली भी है। BHU है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, IMS BHU वाराणसी UP, इसका भी लगभग 25,000 तक 26,000 तक मिल जाएगी मॉपअप तक। लेकिन इन BHU में बॉन्ड है इसलिए मैं इसको सेकेंड नंबर पर रखा हूँ। अगर किसी को रिपीट करना है तो वो बॉन्ड फ्री कॉलेज में ही एडमिशन लेगा वो, नहीं तो उसको फिर बॉन्ड को पे करना पड़ सकता है। थर्ड पे है श्री गुलाब कुंभरवा आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर गुजरात, 30,000 तक मिली हुई है। श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र हरियाणा, 23,000 मिली हुई है। ये जनरल OBC का ये रैंक बता रहा हूँ। चरक ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान न्यू दिल्ली, 24,000 तक मिली हुई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान का, वो 25,000 तक मिली हुई है। फिर आपका है सेवेंथ नंबर पे गवर्नमेंट अखंड नंदन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड कॉलेज अहमदाबाद गुजरात, 24,000 तक मिली हुई है। आयुर्वेदिक एंड यूनानी TBA कॉलेज यूनानी करोलबाग न्यू दिल्ली, इसको आपको 22,000 तक ही मिली हुई है, इसमें यूनानी भी है इसका ध्यान रखना। इसलिए नाइन नंबर पे है JB रॉय एस्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता वेस्ट बंगाल, 26,000 तक मिली हुई है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पटियाला पंजाब, 25,000 तक मिली हुई है इसका, ये पंजाब में एक ही ऐसा ही यही कॉलेज मिला हुआ है। राजीव गांधी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड परोला हिमाचल प्रदेश, 26,000 तक मिली हुई है, ये 11 नंबर पे है। ऋषि गवर्नमेंट PG आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार उत्तराखंड, ये आपको 26,000 तक मिली हुई है। उत्तराखंड और महाराष्ट्र और MP के कॉलेज का ध्यान रखना क्योंकि उसमें उनका फ़ी बहुत ज़्यादा है, फ़ी अगर अफोर्ड कर पाओ तो ही उसमें जाना। महाराष्ट्र का और साउथ का पहले ही बता दिया कि उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वहाँ महाराष्ट्र में मराठी में चलती है और साउथ में जो भी तमिल है तमिलनाडु में अपना लैंग्वेज, केरल में अपना लैंग्वेज चलता है, इसलिए अपना देखते हुए कॉलेज को सिलेक्ट करना। 13 नंबर पे आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी UP, 19,000 तक मिली हुई है। 14 पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल पटना बिहार, 30,000 तक मिली हुई है। 15 पे गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय इंदौर MP, 26K तक मिली हुई है। 16 पे आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज वडोदरा गुजरात, 30K तक मिली हुई है। 17 पे गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका में 46,000 तक। स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंस आयुर्वेदिक साइंस कलवोड़ा गांधीनगर गुजरात, 30,000 तक मिली हुई है। गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मैसूर कर्नाटका, 26K तक मिली हुई है। देखो, और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक साउथ में जो शिलोंग में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी आयुर्वेदा शिलोंग का 47,000 तक मिली हुई है, लेकिन वो दूर है इसलिए मैं इसके रैंक इसको नीचे रखा हूँ, इसका ध्यान रखना। वो दूर है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, फूड प्रॉब्लम हो सकती है नॉर्थ वाले जो भी जाएंगे, इसलिए मैं इसको नीचे रखा हूँ। 21 RA पोर्टर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड मुंबई महाराष्ट्र, 30K तक। इसकी लैंग्वेज की वजह से महाराष्ट्र और MP के कॉलेज कम लिया हूँ, साउथ के कॉलेज को कम लिया हूँ। 22 पे पंडित खुशी लाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भोपाल MP, 30K तक मिली हुई है। श्री मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सोनीपत हरियाणा, 26K तक मिली हुई है। और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार उत्तराखंड, 30K तक मिली हुई है।
गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्वालियर MP 32 के तक मिली हुई है। ये 25 कॉलेज हैं। ये मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए बताऊँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा भी टाइम नहीं है, मेरे एग्ज़ाम है, इसलिए मैं ऐसा करा हूँ। वैसे जितना कोशिश किया हूँ मैं सबका नाम बताया हूँ, वैसे साइड में मैं इसको लिख के भी बता दूंगा, वीडियो में लिख के भी आ जाएगा। मैं पहले भी बता दिया हूँ, साउथ में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इस चीज़ का ध्यान रखना, उसको देखते हुए अपने आप को मैनेज करना होगा आपको। रेस्ट जितने भी कॉलेज और भी बचे हों, और भी कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, आपको ऑल इंडिया में काउंसलिंग में आएंगे भी, आप अपने अकॉर्डिंग इसके बाद 25 के बाद आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, उसको सेलेक्ट कर लेना। लेकिन भरना सबको है, सबको स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट करना है लास्ट तक। जो भी कॉलेज का सिलेक्शन में ऑर्डर बताया हूँ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली आपको यही फॉलो करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ भी चाहो तो उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, आपको अच्छा लगा हो शेयर तो लाइक और शेयर कर देना, अगर आपको कोई डाउट हो तो भी कमेंट्स करके पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू सो मच।